कि हम लोग ढुल्लू महतो को झारखंड में रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे और उनके लिए हम लोग तन मन धन से वहाँ धनबाद में पूरे तरह से काम करेंगे। देखिए, यह स्पष्ट है कि सरयू राय जी जो है वो पिछड़ा विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। ये सोचते हैं कि पिछड़ा और बनिया जो है, वैश्य समाज जो है, हमेशा झंडा ढोए, हमेशा वोट दे और हमेशा जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, हमेशा जो है उनका जो है झोला उठाने का काम हम लोग करें। सरजू राय इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे समाज को अंगुली दिखाने काम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो हम लोग उनको ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे, दिखाएंगे पूरे झारखंड लेवल पे। विधायक सरयू राय के विरुद्ध गोलबंद हुआ झारखंड वैश्य समाज। निर्दलीय विधायक सरयू राय को ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके विरुद्ध एकजुट होकर उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय द्वारा धनबाद लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर कई संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया है, जिसको ले रामगढ़ में झारखंड वैश्य सभा के केंद्रीय अध्यक्ष नंद किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई, विरोध व्यक्त किया गया और सरयू राय के विरोध में नारेबाजी की गई। वहीं वैश्य समाज के नंद किशोर प्रसाद, राजीव जायसवाल, रवि साहू सहित कई अन्य वरिष्ठ लोगों ने सरयू राय को सनातन व ओबीसी व पिछड़ा विरोधी बताते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए मजबूती से लड़ने और उन्हें जिताने की बात कही। तो धनबाद से ढुल्लू महतो को भारत की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है, लेकिन हम लोग को पेपर के माध्यम से जानकारी हो रही है कि ढुल्लू महतो का सरजू राय जी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सभी झारखंड वैश्य समाज के पदाधिकारीगण इस विषय पर एक मंच पर सभी एकत्रित संगठित हुए हैं कि हम लोग ढुल्लू महतो को झारखंड में रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे और उनके लिए हम लोग तन मन धन से वहां धनबाद में पूरे तरह से काम करेंगे और उनको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे और ये दिखा देंगे, इस चीज़ को मोदी जी भी एहसास करेंगे कि हमने एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया था, किसी खास व्यक्ति के द्वारा विरोध करने पर कुछ होने वाला नहीं है, पूरे झारखंड में ओबीसी समाज या झारखंड वैश्य समाज एकत्रित होकर के उनको जिताने का कार्य करेगी। देखिए, यह स्पष्ट है कि सरयू राय जी जो है वो पिछड़ा विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। ये सोचते हैं कि पिछड़ा और बनिया जो है, वैश्य समाज जो है, हमेशा झंडा ढोए, हमेशा वोट दे और हमेशा जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, हमेशा जो है उनका जो है झोला उठाने का काम हम लोग करें। पहली बार जब झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद से किसी जो धरती पुत्र को, जो संघर्ष के योद्धा, संघर्ष के बल पर धनबाद की राजनीति में अपना जो है एक पहचान ढुल्लू महतो ने बनाया है। धनबाद में जो है कि कितना माफियागिरी चरम में था, उसमें आज तक सरयू राय जी ने कभी बयान नहीं दिया। कितने बड़े बड़े माफिया जो है झारखंड में हैं और झारखंड में कैसा उत्पात कर रहे हैं, आज तक सरयू राय जी ने उनके विरुद्ध में मुंह नहीं खोला। लेकिन कोई जब पिछड़ा समाज का लोग, कोई जब वैश्य समाज का लोग आगे बढ़ता है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो हम जो वैश्य समाज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है कि जो अपने मन में जो है सपना देखे हैं, अगर उनको अपना इतना ही हिम्मत है तो वह एक बार धनबाद से चुनाव लड़के देख ले। इस बार धनबाद की जनता और झारखंड की जनता जो है उनका असली औकात बताने का काम करेगी। हमारी आबादी झारखंड में वैश्य समाज की 40% की आबादी है, गिने चुने 2-4% की आबादी वाले किसी विषय पर एक आलोचना करने का काम करती है। इस बार में ठोस जवाब वैश्य समाज देगी उस सबको। आज झारखंड में हमारे समाज का आबादी 40% है और पूरे लोकसभा 14वें लोकसभा में 2 जगह हम लोगों के पार्टी के, हम लोग का समाज के आदमी को टिकट दिया गया है और हम लोग को आबादी के हिसाब से हम लोग को 14वें विधानसभा लोकसभा में कम से कम 5-6 हम लोग को सीट मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मिला गया, नहीं दिया गया। हम लोग के साथ ऊपर से भी शोषण किया गया है और मिलने के बाद भी
आज हमारे धनबाद विधानसभा में सरजू राय इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे समाज को अंगुली दिखाने काम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो हम लोग उनको ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे, दिखाएंगे पूरे झारखंड लेवल पे अपने आबादी के हिसाब से कि हम लोग लोकसभा धनबाद में हमारे समाज का क्या महत्व है, हम लोग का क्या एकजुटता है, हम लोग समय आएगा तो इनका रिजल्ट देने का काम करेंगे। जिसकी आबादी जितनी उतनी भागीदारी होती है, उसके बावजूद हमारे वैश्य समाज को उतना टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी उस जयचंद को मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ कि करप्ट स्वयं आदमी जो है वो अपना अस्तित्व बताते हैं, वो अस्तित्व ये उनकी है कि भामाशाह जब हमारे थे तो भामाशाह महाराणा प्रताप को पूरे खजाना खोल दिए और देश के अस्तित्व के लिए सर्वस्व दान दिए। वही भामाशाह का वंशज ढुल्लू महतो जी हैं, वही भामाशाह का वंशज नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे नन्हे कदम अबली स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर अशोका होटल के सामने गली में लोहा टोला रामगढ़ कैंट रामगढ़। संपर्क करें